बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम नाज़िम इकराम। आज हम बुखारा फादर एंड सन्स के प्लेटफॉर्म से हाजिर हैं और वालिदे ग्रामी से मज़ीद आरा लेंगे इसके ऊपर कि आज का हमारा मौजू बेसिकली होगा बहावलपुर, जहाँ पर वालिदे ग्रामी की जाए पैदाइश है और अबू को बहुत एक जैसे कहते ना कि बहुत ज़्यादा एसोसिएशन है बहावलपुर के साथ, बड़ी करीबी और बहुत ही करीबी और कहते हैं ना कि बहुत मैग्नेटिक किस्म का ताल्लुक है उनका, और जहाँ भी उनको बहावलपुर से रिलेशन से कोई चीज़ भी मिले तो वो उनको बड़ा इंडोर्स करते हैं और बहुत उसके साथ इनकी इनके अंदर एक एनर्जी आ जाती है जैसे विटामिन्स होते हैं। तो बहावलपुर बेसिकली सूबा पंजाब में है, पाकिस्तान सूबा पंजाब में 11वीं बड़ी बड़ा शहर है पॉपुलेशन के लिहाज से, और इसकी जो है अहमियत यह है कि जो बहावलपुर का जो सिस्टम था, एक ये सल्तनत थी बेसिकली, सल्तनत में जहाँ पर इनका अपना एक निज़ाम था, बादशाह था या जिसे आप कहते हैं रियासत थी, तो उसमें वो खैर वालिद अगर पूरी बात करेंगे तो दादा ने एक नज़म लिखी थी बहावलपुर के ऊपर, उसको मैं यहाँ पर अबू की इजाज़त से पढ़ूँगा। इसका उन्वान है शिकस्ता दिल की परेशान सदा बहावलपुर। शिकस्ता दिल की परेशान सदा बहावलपुर, गमे हयात से दर्द आशना बहावलपुर, शिकस्ता दिल की परेशान सदा बहावलपुर, शबे फिराक के नालों की गूंज रूह तेरी, दियारे हिजर में सोजे नवा बहावलपुर, हवाए दश्तो नखेल बुलंद व लज्जत शौक, जहाने कल्ब व नज़र की ज़िया बहावलपुर, तेरी आज़ा सहर आर जुए सद के बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, तेरी दुआ दिले बे मदा बहावलपुर, करारे जा मला दा माने तरबियत में तेरे, मेरा शऊर है तेरी अता बहावलपुर, तेरे निज़ाम मकातिब का फैज़ आम हुआ है शिर्क व गर्ब तेरे हमनवा बहावलपुर, जहाद शौक का हर वलवला तड़प उठे, दिलों को दर्द से यू तलमला बहावलपुर, ज़मीन पाक के मायूस काफ़लों के लिए है रहनमा तेरी बांगे दरा बहावलपुर, सुना उन्हें के ये सोना खुदी का खोना है, जो महवे ख्वाब हैं उनको जगा बहावलपुर, सुभानअल्लाह, खुद आगाही की रवायात तुझसे रोशन हैं, हम यकीनो इल्म का अठा बहावलपुर, जहां में मकसद फितरत का निगेबात तू है, ज़मीन पाक में सहराइयों की जहां तू है। और ये दादाबाद ने सोजे दरू में, ये दादाबाद की पब्लिकेशन है, इसमें दादाबाद ने बहावलपुर के ऊपर जिन्हें किया। तो ओवर टू वालिदे ग्रामी, आप के जज्बाती आप हमें पहले, मैं क्वेश्चन ये करता हूँ कि आप प्लीज़ बहावल के बारे में कुछ हमें बताइए। बहावलपुर एक ऐसी मुकद्दस जगह है जहाँ मैं पैदा हुआ, जहाँ मैंने ज़िंदगी के बचपन और जवानी तक टाइम गुजारा, फिर इसके बाद जब मुलाजमत के काबिल हुए तो ज़िंदगी के तकरीबन कोई 50 साल लाहौर में गुजरे और कमोबेश 20 साल। बहावलपुर को कहते थे प्रिंसली स्टेट, इसका ऊपर एक किताब लिखी थी यार्क क्रॉम्पटन ने,
और उसके साथ ही एसोसिएटेड थे उस ज़माने के एक बड़े इलम दोस्त इंसान जिनका नाम था ब्रिगेडियर नज़ीर अली शाह। अब्बा जी के दोस्तों में थे, बहुत प्यारे आदमी थे और बहावलपुर के बाबले में अब्बा जी भी बड़े जज्बाती थे, जैसे कि आपने अभी नज़म सुनाई है। और हमारे हम तीनों भाई बहावलपुर के पैदा हुए, तीनों भाई बहनें भी आदि बहन में से राजदा बहावलपुर में पैदा हुई है, इधर राजगढ़ में यानी साहिवाल, और बाकी सारी बहनें साजिदा भी जो है वो बहावलपुर शिरकियाँ हैं पैदा हुई, और बाकी सारे जो है बशमूल मेरे अब तीनों भाई बहावलपुर में। और अच्छा अब ये बताएं कि बहावलपुर में आपकी इब्तदाई तालीम कैसी रही और किस स्कूल से आपने तालीम हासिल की? मैंने इब्तदाई तालीम का कुछ हिस्सा कुछ क्लासें मैं चौथी पाँचवीं तक तो मैंने भावनगर पढ़ा, और उसके बाद फिर चिश्तियाँ और हरुणाबाद पढ़ा, फिर सातवीं जात में जब था तो हम अब्बा जी का, चूँकि हमारा जो तमाम सेटअप था वो अब्बा जी की जॉब के साथ रिलेटेड था। अब्बा जी 132 चक में रहे, फिर चिश्तियाँ में रहे, फिर हरुणाबाद में रहे, फिर भावलपुर, और भावलपुर में उस ज़माने में ये मखदूम ज़्यादा हसन महमूद का दौर था, वो बड़ा इरम दोस्त आदमी था। उसने एक तालीम को प्रमोट करने के लिए उसके जहन में एक मंसूबा था, और ब्रिगेडियर नज़ीर अली शाह जिनके वजह कर चुके वो उनके बड़े करीब थे, और उन्होंने बाकायदा अब्बा जी का नाम लिया कि ये मकतब स्कीम जो है यानी मदरसा जो मदरसे जितने भी हैं उनके साथ एक दीनी तालीम के साथ दुनियावी तालीम का भी इंतज़ाम किया जाए। अब्बा जी स्कीम के सरबराह थे और बड़ा काम किया अब्बा जी ने, पैदल जा जाकर तकलीफ़ें उठाई, ओके दूर दराज इलाके थे, अभी ट्रांसपोर्ट के इतनी ज़्यादा सहूलतें नहीं थी, तो अब्बा जी ने ज़िंदगी में जो सारा पीरियड गुजारा है ना, क्योंकि उस ज़माने में इतनी नहीं थी सहूलतें, मैंने बताया था ना जी, और बहुत सी बातें करने को है। लेकिन बहावलपुर हमारा हमारे रगो रेशे में इस तरह से मौजूद है कि जब बहावलपुर का नाम आता है तो हमारा दिल खिल जाता है। तो मैं वहाँ जैसे बताया मैंने आपको कि मैं सातवीं जमात में पहले हरुणाबाद चिश्तियाँ और बावल नगर से जब हम आए अब्बा जी बावलपुर अब्बा जी का ट्रांसफ़र हुआ, तो मैं वहाँ पे सातवीं जमात में था, और मेरी इब्तदाई तालीम जो है वो सादिक डीएन हाई स्कूल में हुई, जहाँ उस वक्त में बड़े ही लायक और अच्छे आदमी हेड मास्टर थे, उनका नाम था मोहम्मद अनवर, और अनवर साहब ने चार चांद लगा दिए बहुत। जैसे बावलपुर के जो सादिक एजल्टन हाई स्कूल था, यानी सादिक डेन हाई स्कूल था, उस पर बड़े बड़े ज़बरदस्त किस्म के असातिज़ा थे, तो याद है अनवर साहब थे, फिर वो मंजूर साहब, मास्टर मंजूर साहब थे, वो जो बड़े बहुत प्यार करने वाले, ये अंदाज़ा लगाओ कि मास्टर मंजूर साहब मेरे दिल में इसे बैठे हुए हैं कि आप छोटी छठी सातवीं जमात के तालिबे इल्म हैं और आपको शेक्सपियर और बर्नार्ड शॉ और इनके ड्रामे आप सुना रहे हैं, मुझे शौक जो पैदा हुआ है
انگریزی لٹریچر کا اس میں ماسٹر منظور صاحب کا رول تھا اور سناتے تھے کہانیاں بلا یا ہیملٹ میں یہ تھا ہم غور سے سنتے تھے یہ نہیں ہے کہ ہمیں پڑھا چونکہ وہ تھے اس زمانے میں تاریخ کے استاد تھے تو آئی تھنک ہی پلیڈ ہز اننگز ویری ویل انور صاحب کا دور بھی بڑا پتہ انہی کے دور کی بات کر رہا ہوں اور اس زمانے میں جو صادق ڈین ہائی اسکول تھا اس کا جو ہال تھا اتنا بڑا ہال اتنا خوبصورت ہال کہ اس کے یاد آیا مجھے کہ وہاں پہ فنکشن ہوتے تھے بہاول پور کے ڈویژنل اسٹیٹ لیول کے فنکشن ہوتے تھے اور وہاں پہ ہال میں ایک بہت بڑا بورڈ تھا جس پر یہ لکھا ہوا تھا کہ آئی ہیو براٹ مائی اردن لیمپ اینڈ کرائی کم چلڈرن آئی شوڈ لائٹ یور پاتھ اچھا 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 پھر اس کے بعد دور آیا میں نے ریلی انجوائے کیا اسکاؤٹنگ میں بھی تھا میں وہاں پر اور تب وہ آپ نے میٹرک وہیں سے کیا ایف ایس سی بھی وہیں سے کی تھی اس زمانے میں تو ہائی اسکول اچھا ہائی اسکول میں تھی میٹرک تک اچھا اس کے بعد جو ایف ایس سی ہے وہ میں نے داخلہ لیا تھا ایس سی کالج میں ٹھیک ہے نا صادق جلٹر کالج اچھا صادق اور پھر اس کے بعد اس میں بی ایس سی کا انتظام نہیں تھا ان دنوں تو مجھے ملتان جانا پڑا تو ملتان میں ایک تھری ایئر ڈگری کورس تھا بی ایس سی کا بی ایس سی آنرس کا اچھا تو کچھ عرصہ وہاں رہا پھر اس کے بعد ہمیں ابا جی کا تبادلہ لاہور ہو گیا یہ بہار 61 کی بات ہے اچھا اچھا تو میں پھر وہاں چلا گیا گورنمنٹ کا لال بہاول پور کی یادیں جانا میری زندگی کا بڑا قیمتی احساسہ ہے ہمارے زمانے میں اچھے اساتذہ تھے اچھے دوست پیدا کیے تو یاد ہے کہ وہ ایک ملک ممتاز صاحب میرے دوست تھے آپ سب جانتا ہے وہ میرا محل ساتویں جماعت سے میرا کلاس ہے اچھا تو اب تک وہ زندہ ہے ابھی تک میرا اسے رابطہ ہے اندازہ لگائیں آپ تو طیب صاحب بھی وہیں سے پڑھے طیب صاحب جو ہے وہ پڑھے ہیں بہاول پور سے لیکن طیب صاحب کا اسکول تھا عباسی ہائی اسکول اچھا ٹھیک 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 لیکن ہمارا ان سے تعلق جو ہے وہ دو وجوہات سے تھا ایک یہ ہے کہ اس کے جو بڑے بھائی تھے سعید قریشی ابا جی کے شاگرد تھے اور دوسری بات یہ تھی کہ بال ٹاؤن میں جب گھر تھا اس کے سامنے یعنی ہمارا بیک اور ان کا بیک آپس سے ملتا تھا اچھا اچھا منڈی جو ہے بہاول پہ گلا منڈی کے پاس ہی گھر تھا اور مست جو ہے نا وہ ایک بستی تھی اچھا اس بستی کے ساتھ یہ گھر تھا وہاں مسجد میں ہم نماز ہی پڑھتے ہوئے یاد آتا ہے تو بہاول پور میں ایک بات تو یہ تھی کہ دو ریلوے اسٹیشن تھے ایک اس طرف جو بہاول نگر اور جاتا تھا وہی آتا تھا ادھر بہاول نگر جاتا تھا وہاں سے میکروڈ گنج اور ادھر پولٹا پاس اور دوسرا جو تھا وہ سماسٹا اور سماسٹا سے پھر آگے مین لائن کراچی جاتی تھی لاہور تک لیکن بہاول پور کے دوسرا اسٹیشن جو ہے ادھر کا اسٹیشن جو ہے میں جس کی بات کروں اس کا نام تھا بغداد الجدید نواب صاحب بڑے متاثر تھے ابھی بغداد جو ہے وہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ عراق کا دارالحکومت تھا اور بغداد کا جو بڑا ایک شعرا ہے وہ علم میں تھا درست اور وہاں کے جو بڑے بڑے علماء پیدا ہوئے تھے جن میں ایک جنید بغدادی بھی تھے جی تو باہر ایک تھا بغداد ادھر کا اسٹیشن جو بہاول نگر اور ادھر آگے سما سٹرا چلتا تھا بابل نگر ہوتا ہوا بہاول پور سے ہوتا ہوا بابل نگر اور دوسرا جو ہے وہ مین جو
स्ट्रीट पर था, अब भी वही है शायद। अच्छा, वहाँ पे वो बावलपुर स्टेशन कहलाता है, बगदाद जो है वो सबसे ज़्यादा बावल नगर, ठीक है, और इधर जो है वो है मेन जो कराची से लाहौर तक का जो स्टेशन है उसका नाम बावल। दुरुस्त। तो इसके बाद अंदर जहाँ याद पड़ता है मुझे, हम माल्टाउन डी में रहते थे और हमारा घर था, इतने अच्छे लोग, इतने प्यारे मोहल्ले में इतने अच्छे लोग थे, और वो अभी भी याद आता है। माल्टाउन डी जो है उसमें आगे पीछे बज गए, एक कुरैशी साहब थे वो मेरे के शागिर थे, और इधर पीछे और रहते थे मेरी अम्मी की एक सहेली थी ऊपर, उसका नाम अस्मा, ये क्या नाम था, अच्छा स्थानीय अस्मा, ये क्या अम्मी की सहेली, अम्मी की, अम्मी की सहेलियाँ बड़ी याद आती थी अम्मी ये भी जारी रखें। अब इसमें बहावलपुर में डायरेक्शन के हिसाब से कौन सी जो इलाके किस तरफ था, दुरुस्त, एक बीकानेर जो स्टेट थी उसके हवाले से बीकानेर गेट था, ठीक है, फिर दरावर जो है, दरावर बावलपुर में एक दरावर जो किला भी है उसके हिसाब से दरावरी गेट था, अच्छा, और इस तरफ जो मुल्तान की तरफ था वहाँ पे मुल्तानी गेट था, और चौक बाज़ार था, चौक बाज़ार में एक चार बाज़ार मिलती है, अच्छा फरीद गेट जो है वो कहाँ पर था, फरीद गेट जो है वो एस डी स्कूल की तरफ था। अच्छा सर, मुझे जो भावलपुर की जो सबसे चीज़ याद आ रहा वो साइकिल रक्षा, क्या बात है, ये कब से शुरू हुआ, ये साइकिल रक्षा का बुंदू रक्षा भी ये असल में बात यह थी कि गुर्बत का दौर था, ठीक है ना, गुर्बत के दौर में ना जो चीज़ कम खर्चती रहा जी या इंसान के ऊपर चलती थी वो रक्षा था, रक्षा था, साइकिल रक्षा, मोटर रक्षा नहीं, साइकिल, साइकिल रक्षा, तो साइकिल रक्षे पे आदमी चलाता था, पीछे दो सवारियाँ बैठती थी, ये वही वहाँ की एक थी, ये समझिए कि सवारी इस तरह से थी, अब तो खैर दौर आ गया है। तो ये बात मैं बता आपको बता रहा हूँ कि बहावलपुर इतना खूबसूरत शहर था कि वहाँ पे मैं बताऊँ गली एक थी, फिर शीशा गली, शीशा गली, वो मतलब इस तरह थे बाजार सा ये था, शीशा गली क्यों कहते थे वहाँ, साफ सुथरी, अच्छा साफ सुथरी, एक हिस्सा जो है वो मेन बाजार की तरफ खुलता था उस गली का, ओके, एक खुलता था इधर जहाँ पे अस्पताल था, अच्छा। वो आवल घोड़े की मस्जिद, अच्छा आवल घोड़े की मस्जिद बताया मैंने आपको, नहीं, आवल घोड़े की मस्जिद वो है जहाँ मैंने, मैं अब्बा जी अम्मी की ख्वाहिश थी मैं घोड़े पाकी मस्जिद, अच्छा अच्छा, तो वहाँ पढ़ता था, तो वहाँ का जो हाफज था जो घोड़े पे में गया था उसके बारे मशहूर था कि एक आदमी आवल को शकिया जो तकरीबन कोई 30 किलोमीटर है या 30 मील होगा, 30 मील है बावलपुर से, वहाँ से एक बंदा घोड़े पे सवार होकर उस मस्जिद तक आ रहा था उसे, और इस दौरान हाफिज साहब ने कुरान पाक पढ़ना था, अच्छा, तो हाफिज साहब ने कुरान पाक उस घोड़े वाले सवार के आने से पहले, अच्छा इसी उसका हाफिज पूरा कर, अच्छा अच्छा अच्छा, तो मैं वहाँ पढ़ा हुआ मस्जिद में, तो बेटा अच्छा वो आपके नवाब भावलपुर की दादाबा से मुलाकात हुई, नवाब में भावलपुर की दादाबा से मुलाकात हुई, अच्छा, वो ये थे भाई चिश्तिया में थे जी, तो नवाब साहब का विजिट था चिश्तिया, और अब्बा जी जो है ना वो स्कूल के मेन गेट की तरफ हाथ में हार पकड़े और पूरा ग्रुप का ग्रुप जो है वो इस्तकबालिया कमेटी का खड़ा था, अच्छा नवाब साहब इधर से आए,
चेक कर लूंगा रिकॉर्डिंग कर रहा है नहीं कर रहा है। चल रही माशाल्लाह चल रही है बिल्कुल ठीक है। नवाब साहब जो है बजाय मेन गेट के आने के ना, अच्छा नवाब साहब जो है वो साइड से आ गए। अच्छा वो साइड से आ गए तो वो जो एक मास्टर साहब थे कभी आजम नाम था उनका, मास्टर आजम छोटे करके थे, और उन्होंने देखा नवाब साहब को इधर से आ गए बजाय मेन गेट के आने के, तो वो दौड़ा, दौड़ते हुए जनाब वहीं गिर गया वो जज्बात में आके। या इस पर अब्बा जी को पता चला अब्बा जी भी भागे हुए आए, नवाब साहब मेन गेट से नहीं आए इधर से, अच्छा साइड साइड से। अच्छा अच्छा तो अब्बा जी को कहा शामिया एक ड्रिल कराओ। अच्छा नवाब साहब ने अब्बा जी का शामिया एक सही ड्रिल कराओ सही है जी। अच्छा अब नवाब साहब बड़े खुश मिजाज थे तो बहरहाल उनका जो पीरियड था वो भी बड़ा अच्छा पीरियड था। नवाब साहब को याद पड़ता है उस ज़माने में बन गए थे इलाके बावलनगर का एक अलग डिप्टी कमिश्नर, या सकता है एक मौलवी अख्तर अली थे वो भावलपुर के डिप्टी कमिश्नर थे, ये क्या था। अच्छा एक उनका मेन अस्पताल के सामने उनका घर था, अस्पताल जो है ना विक्टोरिया अस्पताल है बाबा, सूरत हाल यह है कि विक्टोरिया अस्पताल मतलब मेन हॉस्पिटल, इस तरफ जो है वो लाइब्रेरी थी। अच्छा जिसके लाइब्रेरियन थे मलक नज़ीर अहमद जो हमारे घर के सामने रहते थे, या पीछे कह रहे हमारा इसे बना होता था कि उनकी पीठ थी और हमारा फ्रंट था मलक नज़ीर साहब। और मलक नज़ीर साहब जो है मलक मुमताज के इश्तार भी थे, तो उनके वालद जो थे मलक मुमताज के वो वहाँ पे जज थे हाई कोर्ट जो थी बावलपुर की, उनका नाम था मलक अब्दुल हमीद थे, सेशन जज थे चाहे। तो ये अच्छा फिर ये बात है कि एक और बड़ी मजे की बात, अब्बा जी के दफ्तर में ना एक साहब थे उनका नाम था हशमत फजली। अच्छा हशमत फजली जो है वो बहावलपुर का एक बड़ा मशहूर शायर था। और सूरत आलिया थी अब्बा जी के बातें मुकर्रर था और इतनी गलतियां करता था तहरीर में, उस ज़माने में बहावलपुर में ना दफ्तरी ज़बान के उर्दू होती थी, अंग्रेजी नहीं उर्दू होती, तो वो इतनी गलतियाँ करता था कि भाई हैरान थे कि तू शायर इतना बड़ा अच्छा है और तू दो लफ्ज़ ही ले सकता। ये याद है मुझे, एक था वहाँ पे और वो हमारा एक टीचर था, अच्छा उस वक़्त दीनी तालीम का इंतज़ाम होता था जामिया अब्बासिया के, दुरुस्त जामिया अब्बासिया का जो हेड था ना जी, उसका बेटा जो हमारा मेरा उस्ताद था, अच्छा 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 उसका ये अशरफ या उसका तरीका ये था अशरफ आइडिया, अच्छा वो अमीने आइडिया। अच्छा तो वो फिर ये होता था कि जिस आदमी से सवाल पूछते थे जी उसको जवाब नहीं आता था ना जी, वो उसको खड़ा करता घंटा खड़ा मेरी जितनी देर क्लास में क्लास में क्लास के बाद भी खड़ा रहा वो आपस में बैठ के था। तो ये है उस ज़माने के, लेकिन जो तीन उस्ताद हैं मेरी याद है, एक थे अनवर साहब जो हेडमास्टर थे अंग्रेज़ी पढ़ाते थे अभी नहीं नहीं अंग्रेज़ी हाँ अंग्रेज़ी पढ़ाए थे, एडजेक्टिव कहते हैं एडजेक्टिव को हम एडजेक्टिव कहते हैं कहते नहीं नो एडजेक्टिव एडजेक्टिव ये वे याद है उनका। दूसरा था मलक अब्दुल अजीज साहब, अच्छा वो हमें शायद ज्योमेट्री पढ़ाए थे, और तीसरे थे मंसूर आकिल साहब वो हमें अंग्रेजी पढ़ाए थे, और दे वंडरफुल टीचर्स माशाल्लाह। फिर याद आता है बावलपुर में वो एक था कूचा गुल हसन जिसमें ये अनवर साहब रहते थे, अच्छा अच्छा ठीक है ना कूचा गुल हसन, और क्या बात है बावलपुर वहाँ पे एक चिड़ियाघर को कहते शेर बाग। अच्छा शुरू शुरू में गए ना आवाज़ है खीरे खीरो, अब
खीर हो से हमने अभी बड़ा कमाल मजा आ गया भाई जी, पक्की पकाई खीर। अमित कह जा पुत्र खीर ले, खीर दिल कर तुम बड़ी पसंद है। वो गया तो दूध देता, मैं कहता था दूध दे, कहते ये अयो तो खीर है, दूध को वहाँ खीर कहते थे। ये एक बड़ी दिलचस्प बात। फिर उसके बाद मंसूर आकिल के दौर में याद है, इसके बाद देखा अच्छे टीचर, यानी एस डी हाई स्कूल वाज द बेस्ट, इसके मुकाबले में था अब्बासी हाई स्कूल। हमारे ज़माने में जो लोग थे और अब्बासिया स्कूल में ये मतीउल्ला जो था ना, जो बड़ा हॉकी प्लेयर था पाकिस्तान का, मतीउल्ला और समीउल्ला, देवर ये एस डी, ये अब्बासिया स्कूल के पढ़े थे। मतीउल्ला और समीउल्ला, हम थे इधर एस डी स्कूल, इसको मोती मोती कहते थे। ये पता है इतना तेज था, हमें याद है जो स्टेडियम था ना, स्टेडियम में इधर तो मेन था ना क्रिकेट का ग्राउंड और ड्रिंक स्टेडियम, और साइड पे हॉकी और फुटबॉल के ग्राउंड थे। तो मतीउल्ला को मैंने खेलता देखा है अपनी, इसका पे समीउल्ला है अपनी, मतीउल्ला जो है इतना तेज दौड़ता था, लंबा ऊँचा, और हॉकी एक हाथ से यूँ करके यूँ चलता था, और चलता था मैच में लेफ्ट आउट या ऐसा ही था उसका भी, और सीधा गोल, बहुत बड़ा मतलब है मतीउल्ला। इसके बाद से उसके रिश्तेदार समीउल्ला आ गया, वो भी हॉकी का बड़ा प्लेयर था। पर बात क्या नहीं किया बेटा कि भावलपुर ने बड़े बड़े लोग पैदा किए, बड़े बड़े लोग पैदा किए। मैं तो भावलपुर की इतनी वो कुछ काफ़ी चीज़ें भूल गया हूँ, क्योंकि भावलपुर में फिर जब ये लाहौर आ गया तो मैं जब भी इम्तिहान लेना होता था ना तो मैं भावलपुर का इंतखाब करता था। अच्छा, क्योंकि मुझे भावलपुर में जाना, भावलपुर को जाना चाहता भी नहीं था मैं, कुछ भी चाहता था जाके ठहरना होगा। इंतहाई इश्क थी आपको? हाँ, इंतहाई इश्क था। वहाँ का देखना, वहाँ का सबसे बड़ा तोहफा है मेरा दोस्त तैयब कुरैशी। तैयब कुरैशी जो है वो मेरा बचपन का दोस्त, मस्जिद फैलो भी है, फिर भावलपुर का वो अब्बासी स्कूल में पढ़ता था वो, लेकिन हम आला फैलो भी थे भावलपुर के, तो इसलिए इससे स्कूल के हवाले से तो इस बात ही कर रहा, मैं तो बहुत ही हवाले से बात कर रहा हूँ। तो तैयब कुरैशी इस वक्त भी अल्लाह उसकी ज़िंदगी दे वहाँ पे, या अभी तक वहाँ पे। तो भावलपुर मैं जब पाकिस्तान जाता हूँ ना तो भावलपुर चक्कर लगाता हूँ उससे मिलता हूँ। मैंने बताया ना कि मेरी शहरियत जो है ना भावलपुर, या शहर शहरियत जो है मेरी टोरंटो की होगी या भावलपुर पाकिस्तान, दोनों के मेरे पास शहरियत के सर्टिफिकेट। क्या बात है भावलपुर की, बड़ी बहुत खूबसूरत खूबसूरत शहर, खूबसूरत लोग, और यहाँ भी कुछ लोग भावलपुर के हैं जिनमें मेरे दोस्त जैन लाबद्दीन है, जैन लाबद्दीन का ताल्लुक भावलपुर से, उनके साथ तो अक्सर आपका जिक्र चलता है। ये क्या बात है, हम तो भावलपुर को कभी भूल ही नहीं सकते, हमारी ज़िंदगी का महवर जो है भावलपुर। अच्छा, अब दो लफ्ज़ उसके जो बड़े ज़बरदस्त थे, और वो अब्बा जी भी मजाक से कहा करते थे। अच्छा, एक ये है कि मुद्दा मैं तेरी मदद तक करा पर मेरे को मिल सी क्या, ये गया कुछ थोड़ा सा मेकू क्या, मेकू क्या, मेकू क्या ना, मेकू मिल सी क्या कल्चर, मेकू मिल सी क्या। दूसरी है कि बाल आओ सी बाल आओ, जिस काम में आप नहीं जा रहे बाल आओ, ये इसके छोटी छोटी बातें हैं। तो अभी दादी माँ भी भावलपुर में रही है? क्यों नहीं रही है। अच्छा, अब्बा जी की पोस्टिंग थी ना डायरेक्टर एजुकेशन जी,
तो नूरबाल रोड पे फौरा चौक से ज़्यादा नूरबाल रोड जो नवाब साहब के ज़माने का। तो वो नुसरत जो भुट्टो की तस्वीर है दाई में वो भावलपुर की है? अच्छा, वो है सरगोधी की। अब सरगोधी में डायरेक्ट, तो वो भावलपुर में एक घर था फौरा चौक से जाता था नूरबाल की तरफ एक सड़क, उस पर अब्बा जी का घर था। मैं भी आ गया। तो भाई भी भावलपुर में पैदा हुआ? अब्बा जी अहमद तो भावलपुर में पैदा हुआ, बिकॉज आई वाज पोस्टेड भावलपुर। आप पैदा हुए लाहौर में? आप कहाँ पोस्टेड थे? मैं था यहाँ पे एस डी स्कूल, एस सी कॉलेज में। अच्छा, एस सी कॉलेज में लेक्चरर के तौर। एक वहाँ पे इंटर कॉलेज भी था, वहाँ भी मैं रहा हूँ। अच्छा माशाल्लाह, इंटर कॉलेज में भी रहा हूँ और एस सी कॉलेज। तो बहरहाल इट वॉज ए ब्यूटीफुल प्लेस। हमारे जो असाज़ा थे ने केमिस्ट्री के जो शौकस हैं वो बड़े अच्छे आदमी थे, और एक वो थे सिद्दीकी साहब, इकबाल सिद्दीकी साहब। अच्छा। जो बीएससी थे। अच्छा, बीएससी थे और अच्छे टीचर थे, और क्रूसिबल के ऊपर उन्होंने 3 दिन लगा दिए। क्रूसिबल यू होती है, एक तरीका है। तो इसके बाद फिर वो शौकत भाई है, शौकत थे केमिस्ट्री के, और ये इकबाल सिद्दीकी साहब डीन थे। अच्छा। और एक और थे दिशाद कराचवी साहब। अच्छा, वो कट्टर बॉन्ड भी। अच्छा अच्छा, उसका ताल्लुक शायद इधर था, अबुल बशीर के साथ था, कराच वाला कोई जगह। अच्छा, वहाँ के अब्बा जी के दोस्तों में थे, शायर थे, अदीब थे, और एक भावलपुर में बुक डिपो था, पर इसका नाम एक टीचर थे उनकी औलाद भी थी। उसका जो अडॉप्टेड सन था ना, उसका नाम से अफजल था, अफजल बुक डिपो या क्या नहीं था। अच्छा, वो भी था, मौली साहब थे उसके मालक, और उनकी औलाद भी थी, उसके अडॉप्टेड बेटा जी था, और उसके नाम से। अच्छा, वो मुझे ये बताइए कि भावलपुर का सौगात क्या है? भावलपुर की सौगात जो है बेटा, उस ज़माने में आम सोनलवा तो आप मुल्तान में भी होता है, मुल्तानी सोनवा थे, आपके गाने पड़ा है मुल्तानी सोनवा, लेकिन वो ये था अल्लाह बख्श का सोनवा था। अच्छा, अल्लाह बख्श का सोनवा जो है वो बीकानेरी गेट में दाखिल होते ही ना जी, दाएँ हाथ पे एक दुकान थी अल्लाह बख्श। अच्छा अच्छा, अल्लाह बख्श का सोनवा खाते थे, बहुत मज़े का था। और एक और मज़े की बात बताऊँ कि हमारा जो घर था हमारा गाँव में, उसमें एक कमरा था और एक छोटी सी वर्शिप हॉल। अच्छा, बस क्या करें, और एक और लंबा कमरा बनाया, मतलब चाहते थे इकट्ठा बनाते एक घर बन जाता, वो अल्लाह ही जाने जो उन्होंने किया है। अब एक मिसाल भी तो थी ना, नवाब भावलपुर ने कोई वो रोज राइज मंगवाई थी। हाँ, और वो फिर वो आगे क्योंकि वो गए थे वहाँ पर, तो किसी ने उनके साथ एक मिस ट्रीटमेंट किया, तो उन्होंने वो रोज़ राइज मंगवाई और उसे वहाँ के जो खाकरोप थे उन्होंने उसके साथ झाड़ू लगा के सफाई करवाई। क्या बात, तो ये क्या वाकया था? ये वाकया ये था कि किसी ने अजराए तकबर, नवाब साहब में बहुत पैसा था, नवाब साहब की फिर शान शौकत थी बड़ी, सर सादक कुमत खान जो है बड़ा बामकार किस्म का नवाब था। फिर उसका बेटा जो था जिसे हम कहते वली अहद अब्बासी, वो बाद में फिर वो गवर्नर भी रहा सिंध का। चले माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया। आज हमने भावलपुर के ऊपर डिस्कस किया, और इसके बाद हमें लाहौर के ऊपर भी करना है, क्योंकि लाहौर में अबू का टाइम गुजरा है और मैं पैदा हुआ हूँ लाहौर में, इसलिए मेरा इंटरेस्ट लाहौर में है। लेडी एजिसन में आप पैदा हुए जी, तो लाहौर को तो मैं चाहता हूँ कि बहुत ज़्यादा डिस्कस। मैंने पैदा हुई थी लेडी उसमें, वहाँ पैदा हुई थी जो शाही मस्जिद के पास है। अच्छा, लेडी एमिल्टन, लेडी एचसन, एचसन में तो आप पैदा हुए। अच्छा, लेडी मैकलैगन, नहीं लेडी मैकलैगन क्या, और अहमद बाग में पैदा हुआ। सही सही।
विक्टोरिया। अच्छा मैरी भी लाहौर पैदा हुई थी? मैरी भी लाहौर पैदा हुई, मैरी की तब पैदा हुई थी वहाँ। सही सही सही। तो यार मैरी की याद आती दिल में दुखी जानते। बहुत शुक्रिया अब आपका, इंशाल्लाह हम लाहौर के ऊपर डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में। और यहाँ जगह हम हमारा टाइम ख़त्म हुआ चाहता है और हम आपसे ये उम्मीद करते हैं कि आप इसको लाइक करें, शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें और अपने तौर पर अपनी आरा से ज़रूर हमें प्रस्तुति करें। और जैसे कि पहले बात की है कि हमें कोई पब्लिसिटी का नहीं ताल्लुक है इसमें, इसमें सिर्फ अपने वालिद ग्रामी की जो आर्काइव है इसको बनाना था मकसद है, और ताकि हम अच्छी अच्छी बातें उनकी थोड़े टाइम में जो कह सकते जी हाँ जो कह सकते हैं उसको हम आगे प्रिजर्व कर लें। इसे कहते हैं आर्काइव क्यूरेशन, आर्काइव क्यूरेशन हो रही है। तो इसलिए तो अपना ख्याल रखें और हमें अपनी दुआ में याद रखें।